नमस्ते बच्चों, आप सभी का नंदन स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब बिहार की जो ये मैं पूरे बिहार के लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के लोगों में कुछ जो है ऐसे लोग हैं जो बिहार का नाम जो है मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। जैसे कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में अगर उनको चादर दिया गया है उजला जैसा कुछ भी, तो ओढ़ेंगे पूरे दिन और उसके बाद क्या करेंगे, जाते वक्त उसको झोले में रख करके विदा भी हो जाएंगे, ये भी देखा गया है। अब इसी तरह से अन्य अन्य बहुत सारी घटनाएं जो देखते हैं, अगर कहीं बाथरूम वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें ढेर सारा कुछ कुछ लिख देंगे, या फिर कुछ नल वगैरह कुछ कर देंगे, नल तोड़ देंगे, मग उधर फेंक देंगे, अगर ट्रेन में बैठे हुए हैं तो मूँगफली खा कर पूरा बिखेर देंगे, ये सब चीज़ जो है आम आप नज़र आते होंगे। सड़क पर अगर चल रहे हैं तो पान फेंक देंगे, कहीं पे थूक करके ये कर देंगे, और बड़ा बड़ा सा बक्सा वगैरह लेकर सर पे ले करके जो है वो चलते रहते हैं। अक्सर जो है आप ट्रेन पे ये नज़ारा जब रुकती है तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो था बिहार से बाहर या कहीं अन्य जगह, लेकिन ये जो ऐसा ही एक घटना जो है क्वारंटाइन सेंटर पर ये नज़र आया है, मैंने कई बार देखा भी है। इधर हमारे स्कूल में भी, हमारा जो स्कूल है उसमें भी जो है कोई बात हुई और गांव के लोग आए और सारा पंखा टीवी से पंखा तोड़ दिया, तो कहीं पे है सो वो प्लग खींच दिया, कहीं तार खींच दिया, ये सब जो है आपको एक नया ड्रामा देखने आकर पूरा उसमें सारा तोड़ फाड़ कर दिया। अब बताइए कि उस स्कूल में कौन पढ़ता है, क्या बाहर से कोई पढ़ता है? नहीं, उस स्कूल में उसी गांव का बच्चा पढ़ता है, उसी गांव के लोग उसी स्कूल का पंखा उसका जो कनेक्शन करने वाला होता है सारा वो तोड़ कर ले जाते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है, क्या उनको पता नहीं है इसमें हमारे ही भाई बहन बच्चे पढ़ेंगे? तो ये निंदनीय कार्य है। लेकिन उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपको बिहार में कई जगह जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। जब क्वारंटाइन सेंटर जब खत्म होता है तो वही चीज नजर आता है, क्या कि कहीं पे जिस जगह पर उनको शरण दिया गया, जहाँ पे बीमार में उनकी देख रेख की गई, जहाँ से उनको खाना मिला, जहाँ से वो बीमारी से निवृत्त होकर के एक जिंदा बच के गए, वहीं क्वारंटाइन सेंटर पे प्रवासी को जब लौटते गए तो पंखा खोल करके ले गए, सारा बल्ब खोल करके ले गए, जिसको जो मिला वो लूट खसोट किया। अब इसके अलावा कहीं पर कई जगह पे खिड़कियां तक तोड़ दी, दरवाजा तोड़ दिया, एलईडी बल्ब जो था वो सब सारा खोल करके ले गए, और प्रचार जो है स्कूल के प्रचार अगर उसको मना करने जा रहे हैं तो उसमें कोई ये रोक टोक नहीं, या उनके एब्सेंट में भी उनको गायब करके ले गया। और ये सब जब ये घटना हुई तो स्कूल के प्राचार्य जो थे इसका शिकायत पटना जिला शिक्षा कार्यालय में इसको दर्ज करा दिया है, और डीओ की अगर बात को माने स्कूल की संपत्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान। अब दो ऐसे जगह हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। पहला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वो कुहरा घोसवरी जो परिसर था उसे प्रवासी मजदूर को ठहराया गया था। अब ये मजदूर जब ठीक होकर के अपने घर जाने लगे तो क्या करने लगे, जितना भी कमरा था क्लासरूम था उसमें से पंखा मरकरी एलईडी बल्ब सब लेकर के चले गए, और इतना ही नहीं पानी जो पी रहे थे जिससे उनका 14 दिन में प्यास बुझा था, उस पानी का नल को क्या किया, तोड़ दिया, स्कूल का दरवाजा भी तोड़ दिया। और तब स्कूल के प्राचार्य जो थे समूह प्रसाद जो है ने उसको एक शिकायत डीओ से कर दी। दूसरा केस था राजनगर बालक उच्च विद्यालय में, जहां पर भी प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जितने भी मजदूर थे उनको सारा सुसुहरा मिली, सेवा मिली, और सही बहुत दिन तक रहे, और जब जाने लगे तो क्या किया, स्कूल का पंखा खोल दिया, खिड़की तोड़ दिया, बेंच डेस्क को तोड़ दिया, और इसका भी शिकायत जो है आपको डीओ कार्यालय को कर दिया गया है। अब इस पूरा मामला का जानकारी जो है आपदा प्रबंधन को दिया जा रहा है। ये तो मामला आया जो आया अखबार में, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है सरकारी स्कूल में, बिहार के सरकारी स्कूल में आम बात हो जाती है। जब भी कोई बात हुई, छोटी सी बात हुई, पूरा गार्जियन का एक दल बना के स्कूल पे हमला किया, बेंच तोड़ा, डेस्क तोड़ा, बल्ब तोड़ा, जो उसको संपत्ति आ गया वो खोल के अपना ले गया, पेड़ उखाड़ दिया, जैसा जिसको मजल गया। तो अभी भी
ये सावधान हो जाइए, ऐसे गार्जियन और ऐसे उतावली जो लोग हैं कृपया करके सावधान हो जाएं और स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना बंद करें, क्योंकि वो स्कूल को जो संपत्ति को अगर नष्ट कर रहे हैं वो आप इसको हमको या किसी और को कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो घुमा फिरा करके जब आपको बच्चों पर ही पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? अब आपने शरारत किया, टीचर क्या करेगा, छोड़ देगा, स्कूल के प्रिंसिपल छोड़ देंगे, लेकिन अगला दिन से किसको दिक्कत होगा? आपके बच्चों के स्कूल में प्यास लगेगा तो वो पानी कहाँ से पिएगा? बेंच पर बेंच तोड़ दीजिएगा तो कहाँ बैठेगा? नीचे बैठेगा। इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं जिसपे आपको ध्यान देना जरूरी है और समझना जरूरी है कि कृपया करके जो है इस तरह का घटना नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो शर्मनाक सी बात है। हाँ, कभी कोई विवाद है, कोई बात हो जाती तो उसका तरीका है कि आप जा करके ऑफिस में सिंपली आप बात करें प्रिंसिपल से या उस शिक्षक से। ये जो गुटबंदी करके जो हमला करने की साजिश है, कृपया इस तरह के शर्मनाक और कायरता वाली सोच को त्यागें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब आपके जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।